जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय बोले बाबा जी की। प्रभु जी जय बोले जी की। सर बिजी तो नहीं है सर आप अभी? नहीं 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 सर। अच्छा, तो आपको पता ही होगा मैंने फोन क्यों किया आपको। हाँ हाँ सर पता है। क्यों किया? पूछने के लिए, यात्रा की तैयारी के लिए। अरे वाह, आपसे मेरी वैसे काफी बात हुई है व्हाट्सएप पे ना, रिकॉर्डिंग में बहुत सारी बातें हुई हैं, तो सारी जानकारी शायद आपको मिली गई होगी ना। ठीक है, फिर भी कोई ऐसी जानकारी है जो आपको चाहिए अभी यात्रा से जुड़ी हुई? बस सर एक ही क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी बोलिए। मैंने आपको जब यात्री नंबर मिला तब भी आपको कॉल किया था। हाँ जी। तो मेरा परमिट 30 जून का है। 30 जून। ठीक है। और अभी साइन बोर्ड में अपनी वीडियो में देखा था तो दो बोल रहे थे कि एक दिन भी आगे पीछे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बस वही एक क्वेश्चन। अच्छा मेरी बात सुनिए ध्यान से ना। साइन बोर्ड के जितने भी आप कॉल करेंगे ना, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, और हमने जो अपनी यात्रा की तैयारी की है वो पिछले 10-12 साल के एक्सपीरियंस पे की है, तो उसमें अगर हम 4-5 दिन लेट भी होते हैं तो हमें छोड़ दिया जाता है। उसमें कंडीशन आप क्या, जो भी यात्री ऐसे हैं जिनका 30 का या 1 का परमिट है, उनके लिए सबसे जरूरी बताऊं एक चीज क्या है? क्या? उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि सबसे पहले जब हमारी लाइन लगेगी ना, सबसे पहला मुश्किल काम है पहलगांव से निकलना। हाँ, अगर हमें रोकेंगे तो पहलगांव में रोकेंगे, उससे उसके अलावा कहीं नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो पहलगांव में सबसे आगे जहाँ हम लगे होंगे सबसे पहले लाइन में हमारे पास लग जाना। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। वहाँ लग गए आप, अपना आई कार्ड और टोपी अपने बैग में डाल लेना। ठीक है, उससे ये कंडीशन कंफर्म हो गया कि आप हमारे साथ नहीं है। मुझे तो पता रहेगा आप हमारे साथ है, पर वहाँ जो चेकिंग वाले होंगे उनको नहीं पता रहेगा कि आप हमारे साथ है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद लाइन चलेगी तो अपना परमिट चेक करेंगे आपका, तो परमिट चेक करेंगे तो कुछ भी पूछेंगे तो बताना तबियत खराब थी, मैं पहलगांव में रुक गया था। मैं तो बोलो साहब यहाँ पे 2 दिन से हूँ, मैं 30 तारीख को ही आ गया था, पर मेरी तबियत खराब थी, लूज मोशन लग गए थे, इसलिए मैं नहीं जा पाया यात्रा पे। उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा, जैसे आप बाहर पहुंचेंगे अपना आई कार्ड डाला और कैब डाल ली। ठीक है, चंद्रवाड़ी पहुंचेंगे फिर दोबारा अपना आई कार्ड जेब में डाल लेना, क्योंकि होगा ये कि उनको ये ना लगे कि ग्रुप पूरा ग्रुप है और ये बंदा झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो आपको रहना ग्रुप के साथ है, पर कैप और आई कार्ड उतार के अंदर डाल लेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, जैसे चंद्रगढ़ से क्रॉस हुए तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसे रोकते नहीं है, उनको भी मालूम है यार, चलो आप तो आप, कोई भी बेचारा यात्री है उसको दिक्कत हो गई तो क्या पहले जान देगा या पहले आराम करेगा? यात्रा करनी जरूरी है, पहले आराम जरूरी है, आप मुझे बताओ ना। आराम करना, किसी को भी तकलीफ होगी तो आराम करेगा ही। और इतने बड़ा, चलो ये तो हमारी तरफ से है, अगर उनकी तरफ से कोई डिले हो गया, उन्होंने कहा कि बारिश हम नहीं भेजेंगे, उन्होंने कहा कि आगे भीड़ ज्यादा नहीं भेजेंगे, जब भी तो वो लेट करते ही हैं हमें। हाँ सर, तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी दिक्कत कहाँ पे आएगी, जब आप लाइन में सबसे पीछे होंगे और उस दिन के 10,000 आदमी छोड़ देंगे वो, तो फिर दिक्कत आएगी, फिर वो कहेंगे नहीं आप कल जाना, आप 3 दिन से वेट कर रहे हो, 1 दिन और कर लो। ठीक है, तो कोशिश ये करना, ये सभी के लिए है, आपके लिए नहीं, जो हम जा रहे हैं हमारे लिए भी है, कि जितना जल्दी हम लाइन में आगे होंगे ना वो रोकेंगे नहीं, क्योंकि आपको पकड़ के खड़ा रखेंगे वहां पे, वो आपको कहेंगे ठीक है जाओ यार अकेला बंदा तो है। ठीक है, पर टोपियां पहनी होंगी तो वो कहेंगे यार ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इनके ग्रुप में तो फिर सबको पकड़ लेंगे वो। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? पर टोपी उतार के बैग में नहीं रोकेंगे, मेरा विश्वास है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है, परमिट होना चाहिए, कोई रोकता नहीं है, 1-2 दिन लेट हो जाता है आदमी किसी भी कंडीशन में, यार बीमार हो गया तबियत खराब हो गई, रोकते नहीं है। ठीक है, तो हमारे ग्रुप में तो मुश्किल से 2 या 3 ही लोग हैं ऐसे ना जिनका परमिट है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ऐसा करना जब लाइन लगेगी ना तो सुबह सुबह जब हम लगेंगे तो हमारे साथ ही लाइन में आ जाना आगे वहाँ पे ना। तो बिना टोपी वाला एक आधा रहेगा तो हम निकलेंगे तो हमारे साथ ही निकल जाना। ठीक है, और कुछ नहीं सर। आपने बोला था टेंट का, हमारा मेरा टेंट का बुकिंग आप ही कर देना सर। नहीं कर दूं टेंट का बुकिंग, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, और जो भंडारे के आपके मैंने 251 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे बस की पेमेंट में, वो भंडारे में डालने हैं आपके भी? ना सर, भंडारे में डालने। हाँ, जैसे हम जहाँ पे भी मतलब भंडारों में भोजन करेंगे वहाँ पे हम वो डोनेशन देते हुए चलेंगे। ठीक है, सर, वो मैंने वीडियो देखा है। हाँ, यात्रा की तैयारी पूरी होगी आपकी, वॉक वगैरह कर रहे हैं आप, जूते वूते ले लिए आपने? हाँ सर, वॉक वगैरह करते हैं, जूते वूते ले लिए। चलो आप यात्रा की तैयारी करो, फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा ना तो आप मुझे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? और बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।